पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है इस लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद लिखना है पाइथन। पाइथन लिखने के बाद वेलकम टू पाइथन ऑर्ग इस साइट पे चले जाना है। डाउनलोड्स पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका वर्जन आ जाएगा, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। और विंडोज के लिए फॉर विंडोज यहाँ पे 3.12.6 इस वक्त लेटेस्ट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पाइथन मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास डाउनलोड होगा, मैं डाउनलोड्स वाली अपनी डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मेरे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको जूम इन करता हूँ। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से पहले एड पाइथन डॉट ई एक्स ई टू पाथ इस पर क्लिक कर लेना, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने। अगर आपने वो क्लिक यानी कि चेक ना किया तो आपकी पाइथन की जो इंस्टॉलेशन है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। तो अगर आपने अभी वो चेक करके आगे आए हैं तो दैट्स गुड, वरना कैंसिल करके दोबारा से इसे रीस्टार्ट करें। जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल होगा, यू विल सी कि हम पाइथन को फिर देख पाएंगे और पाइथन को यूज कर पाएंगे। पाइथन अकेला जो है हम यूज नहीं करते, हमेशा कोई ना कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ इसे यूज करते हैं, यानी कि IDE के साथ। तो हम उस IDE को भी डाउनलोड करेंगे और IDE के साथ आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पाइथन को डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के साथ भी यूज करेंगे, जिसके लिए सॉफ्टवेयर है मिनीकोंडा। तो IDE जो हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है VS कोड, बहुत ही मशहूर जमाना IDE है, आप इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहां पर क्लिक करता हूं, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करता हूँ एंड देन इट विल बी डाउनलोडेड देयर। इसके बाद मिनी कोंडा मैं इंस्टॉल करूंगा, मिनी कोंडा इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे मिनी कोंडा हमने इंस्टॉल करना है और यहाँ पे इसके लिंक्स हैं। हमने इंस्टॉल करना है मिनी कोंडा विंडोज के लिए 64 bits के लिए, ठीक है। मिनी कोंडा मैक ओएस वाले यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और बाकी डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स वाले वो डिफरेंट नीचे से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मिनी कोंडा भी आ गया है। अब ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से हमने यूज़ करने और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमने मेनटेन करनी वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गिट। आप गिट डाउनलोड लिखेंगे या आप गूगल पे जाके गिट लिखेंगे तो यहाँ से डाउनलोड गिट की ऑप्शन आ जाएगी। आप डायरेक्टली यहाँ से भी विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड गिट पे भी क्लिक करके, यहाँ से विंडोज़ पे क्लिक करके, और यहाँ से आप 64-bit वर्जन जो है अपनी अपनी जो विंडो है उसके हिसाब से 64-bit वर्जन जो है वहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास 32-bit विंडोज़ है तो प्लीज़ इसे डाउनलोड ना करें और अपनी विंडो को 64-bit में इंस्टॉल करें। ओके जी, तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर्स आ गए। हम पाइथन को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा, मैं इस पर देखता हूँ। तो वो कहते हैं सेटअप वाज सक्सेसफुली डन। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने चेक करना है कि मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में जाके यहाँ पे लिखूंगा पाइथन एंड यू विल सी पाइथन 3.12 हमारे पास आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पाइथन की विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आई कैन यूज पाइथन फ्रॉम हियर एज वेल, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ से फॉर एग्जाम्पल pip install something like pandas, मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या चीज़ें, actually it is not working, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा errors भी आती हैं and then we have different kind of issues as well here, और इस वजह से हमें python को different way में install करना पड़ता है और different way में use करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ print के अंदर मैं लिख देता हूँ bracket open करके amar, एंटर करता हूं तो ये मेरे पास अमार आ गया। सो दिस इज वर्किंग, पाइथन इज वर्किंग, बट द थिंग इज वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स इन पाइथन। तो हम यहां पे इसे यूज करके देख सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि आप सीएमडी यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, जाने के बाद यहां पर लिखें पाइथन डैश डैश, पाइथन के पास डालनी है स्पेस, स्पेस डालने के बाद माइनस माइनस वी ई आर एस आई ओ एन वर्जन, तो आपके पास यहाँ पे पाइथन का 3.12.6 ये वर्जन आ जाएगा। तो अभी लेटेस्ट वर्जन ये वाला है, बट स्टिल इफ यू हैव सम अदर वर्जन इंस्टॉल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पाइथन हमने इंस्टॉल कर लिया और ये यहाँ से हमारे पास कन्फर्मेशन हो गई। तो हमारे पास दो कन्फर्मेशन हो गई है पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। पाइथन सिर्फ इंस्टॉल नहीं करना, आपने उसको कन्फर्म भी करना है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है सही तरीके से या उसमें कोई एरर्स आ रही हैं। इंस्टॉल हो गया, अब आगे देखते हैं। हमने अब VS कोड के ऊपर यहां पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ओपन आ जाएगी विंडो। हमने आई एक्सेप्ट द टर्म पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है एंड
नेक्स्ट करके हम डेस्कटॉप आइकन आपने अगर बनाना तो बना लें, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोर फाइल मेन्यू, आप इस पर भी चेक कर लें, ऐड ओपन विद कोड एक्शन विंडो एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, आप इस पर भी क्लिक कर दें। ये दोनों चेकबॉक्स मैंने क्यों क्लिक करवाए हैं यू विल सी इन अ मिनट, और अगर आप डेस्कटॉप पे भी इसको ऐड करना चाहते हैं आप इस पर भी चेकमार्क पे क्लिक कर दें। तो ये सारे के सारे चेकमार्क हमारे क्लिक हो गए हैं, बाकी किसी को अनचेक आपने नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यू विल सी अ चेंज हियर, और हमने जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया है हम यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, मैं यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यू विल सी कि हमारे पास यहां पे इंस्टॉल का बटन जो है वो काम कर रहा है, एंड वीएस कोड जो है हमारे पास यहां पे इंस्टॉल हो जाएगा विच इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूं एंड ये भी इंस्टॉल हो गया। आपने इसे लॉन्च करना है तो अभी कर लें, मैं इसे लॉन्च करता हूं, फिनिश पे क्लिक करता हूं। This is how your VS Code will look like. ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, एंड VS Code में आते ही आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, एंड कुछ इस तरीके से आपके पास डिफरेंट किस्म का मेन्यू होगा जहां पे एक्सटेंशन होंगी, और ये इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, फाइल होगी, एडिट, सेक्शन, सिलेक्शन, व्यू एंड सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स हियर, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके पास VS Code जो है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की आप चीज़ों के साथ साइन इन भी कर सकते हैं, बैकअप सिंक भी कर सकते हैं, चेक फॉर अपडेट भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई एक्सटेंशंस पहले से इंस्टॉल हैं तो वो कुछ इस तरीके से शो होंगे। अगर आपके पास एक्सटेंशंस पहले से इंस्टॉल नहीं है देन यू नीड टू इंस्टॉल दोज एक्सटेंशंस, और उनको बारी बारी हम बाद में देखेंगे। फिर आगे आता है जी हमारे पास मिनीकोंडा, मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ या डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। मिनीकोंडा क्या है, ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंट्स बनाएगा। जैसे आप कह सकेंगे कि हमारे किस कमरे में पाइथन का कौन सा वर्जन रखना है, जैसे आपके रूम होते हैं ना, किचन के अंदर आप पकाने खाने वाली चीज़ें रखते हैं, ठीक है, बेडरूम के अंदर बेड होता है और आप सोने का एहतमाम वहाँ पे करते हैं, और अगर आप डाइनिंग रूम की बात करें वहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ा होता है, या आप टॉयलेट की वॉशरूम की बात करें उनकी एक्सेसरीज डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे आप डिफरेंट किस्म के रूम्स बनाएंगे, उन रूम्स को हम इन्वायरमेंट्स बोलते हैं, और वो इन्वायरमेंट्स बनते हैं यूजिंग मिनीकोंडा, इसी वजह से हमने मिनीकोंडा को इंस्टॉल करना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आई एग्री पे क्लिक करता हूँ, जस्ट फॉर मी पे क्लिक करता हूँ, एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस वन नेक्स्ट, एंड देन हियर ऐड मिनीकोंडा टू पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। अगर आप पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल पे से ऐड कर देंगे तो वो कहते हैं कि ये रिकमेंडेड नहीं है, दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर एप्लीकेशन, इंस्टेड यूज द कमांड प्रॉम्प्ट एंड पावरशेल मेन्यूज एडेड टू द विंडो स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, तो आप इस पे नहीं क्लिक करेंगे, रजिस्टर मिनीकोंडा एज माई डिफॉल्ट पाइथन 3.12 या क्लियर द पैकेज कैशे अपॉन कंप्लीशन। तो मैं इसको कोई भी चीज को यहां से नहीं छेड़ता और इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूं। सो याद रखें मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, आपने भी इसी तरीके से चीज़ों को रेप्लिकेट करना है। आप ये ना कीजिएगा कि अपनी जो इंस्टॉलेशन है उसका सारे का सारा काम खराब हो जाए। सो इट विल बी इंस्टॉल्ड इन अ मिनट। जैसे ही हमारे पास मिनीकोंडा इंस्टॉल होगा हम फिर गिट को इंस्टॉल करेंगे और फिर गिट को देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वो कहते हैं कि जी गेटिंग स्टार्टेड विद कोंडा एंड वेलकम टू एनाकोंडा। मैं फिनिश करता हूँ, ये मेरे पास इनकी कुछ गाइड्स स्टार्ट हो गई हैं कि कोंडा क्या है, मिनीकोंडा क्या है और ये एनाकोंडा क्या है। तो ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन काम सेम ही करती हैं, आपके इन्वायरमेंट बनाने के लिए आप इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आती है जी हमारे पास गिट, मैं इसको गिट को डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मैं यस करके इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक विंडो आती है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, वो कहता है द फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने पहले से किया हुआ था, वो कहता है कि आप इसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं कहा हाँ भाई इसी में करना है। अब एडिशनल आइकन अगर डेस्कटॉप पे लाना है वो भी आप ला सकते हैं, डेली अगर आप चेक डेली फॉर गिट फॉर विंडोज अपडेट अगर देखनी है वो भी आप देख सकते हैं, एंड सम अदर थिंग्स, ऐड ए गिट बैश प्रोफाइल टू विंडोज टर्मिनल अगर वो भी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट आई वुड से कि आप इसको एज इट इज रहने दें ताकि हम इसको बाद में ऐड कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहां से ऐड ए गिट बैश प्रोफाइल टू विंडोज, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आपके काम आएंगी। तो मैं इस पर चेक कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं गिट को इसी तरीके से नेक्स्ट कर देता हूँ। यूज विम, गिट डिफॉल्ट एडिटर है ये, मैं इसको कहता हूँ कि भाई हमने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को एज गिट डिफॉल्ट एडिटर हमने यूज करना है। ठीक है, मतलब वहां से हमारा जो डिफॉल्ट एडिटर है गिट का वो चलेगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो बेसिकली हमारा यहाँ से
डिफॉल्ट एडिटर हो जाएगा। नेक्स्ट करता हूँ, लेट गेट डिसाइड, जो भी उसने करना है मैं कहता हूँ ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, मैं अगेन इसको नेक्स्ट करता हूँ, अगेन नेक्स्ट करता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कंसोल को यूज़ करना है या आप मिन TTY को यूज़ करना चाहते हैं एज टर्मिनल एमुलेटर, तो आप विंडोज़ के डिफॉल्ट कंसोल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड एंड मर्ज, गेट क्रेडेंशियल मैनेजर, यूज़ द क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। इनेबल फाइल कैशिंग एंड इनेबल सिम्बॉलिक लिंक्स, मैं इनको भी नेक्स्ट करता हूँ, मैं इंस्टॉल करता हूँ। सो मैंने सिर्फ एक चेंज किया है जिसको आपने देख के चेंज कर लेना, एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करना, इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इंस्टॉलेशन पे गौर नहीं की तो वीडियो को दोबारा से देखें और इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर्स को मद्देनजर रखते हुए इंस्टॉल करें। ये मेरे पास यहाँ से जी गिट भी इंस्टॉल हो रहा है, और जैसे मेरे पास गिट इंस्टॉल होगा आई कैन लॉन्च गिट बैश फ्रॉम हियर, या मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद यू विल सी कि हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट बैश, तो ये मेरे पास गिट बैश आ जाएगा और ये इस तरीके से एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गिट बैश, और इसी के अंदर क्योंकि ये बेस एनवायरनमेंट में चल रहा है, ये मिनीकोंडा की वजह से है, तो अगर मैं यहाँ पे मिनीकोंडा लिखूंगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट या मिनीकोंडा, ये मेरे पास इस तरीके से ये कन्फर्मेशन होगी मिनीकोंडा की। अब मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए कि नहीं, इनकी कन्फर्मेशन करते हैं। कन्फर्मेशन बहुत आसान है, आपने जब कोई चीज़ इंस्टॉल की होती है उसको रन करके आप कुछ प्री कमांड्स रन करते हैं या आप देखते हैं कि क्या ये चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं कन्फर्म करने के लिए और सही इंस्टॉल हुई हैं या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पाइथन के लिए सिंपली आप यहाँ पर पाइथन लिखें, ये विंडो ओपन होगी, ये यहाँ पर लिखा रहा है पाइथन 3.1.264 bit, ये मेरे पास इंस्टॉल है। दूसरा VS कोड लिखेंगे तो ये विंडो पूरी ओपन होगी, ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। तीसरा हमारे पास है जनाब मिनीकोंडा, मैंने वो लिखा तो ये हमारे पास टर्मिनल आ गया, दैट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन हियर। चौथा हमारे पास है गिट, तो मैं गिट लिखता हूँ, गिट बैश या कभी गिट कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, मैं गिट बैश पे क्लिक करता हूँ, एंड हियर यू हैव दिस टर्मिनल इंस्टॉल। तो हमारे पास चार चीज़ें जो हैं हमने इंस्टॉल कर ली है, पाइथन, VS कोड, मिनीकोंडा एंड गिट, और इनके जो लिंक्स हैं सिंपली आप गूगल पे जाके पाइथन लिखेंगे तो python.org आ जाएगी, और अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे तो VS कोड लिखेंगे वो आ जाएगी। मिनीकोंडा का आपने कैसे इंस्टॉल करना है वो बताया, एंड गिट का मैंने बताया। ये था इंस्टॉलेशन प्रोसीजर पाइथन फॉर डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट के लिए। ये पाइथन इस तरीके से इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है और इंस्टॉल कर लिया, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना है। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड फॉलो मी फॉर मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।